हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइथागोरियन त्रिकोण के बारे में। ओके, देखिए ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मान लेते हैं ए बी सी। ओके, जब भी इस तरफ बेस में रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार। ये बी से मतलब क्या हो गया, बेस। पी से परपेंडिकुलर, एस से हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हिंदी में हम लोग कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब, बेस को आधार। ठीक, इसी प्रकार इसका एक फॉर्मूला बनता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण हम लोग क्या माने थे, यहाँ हाइपोटेनस जिसको सिंबल क्या होता है, एच। एच का स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी प्रकार अब देखिए, अगर हम लोग पी यहीं रहने दें और बी को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इसी प्रकार बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तब अच्छा से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर कर्ण 5 सेंटीमीटर है तो कर्ण ये होता था, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर। अब देखिए लंब है 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब आधार ए लंब है तो यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। ओके, ये आधार हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, इसी प्रकार देखिए इसमें हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या होता था, क्या है दिया हुआ 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 25 माइनस 9। ओके, तो इसी प्रकार अगर यहाँ देखिए बी लिख देते सिंपल बी स्क्वायर, अगर यहाँ बी लिखे तो ये रूट, यहाँ स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक रूट आ जाएगा। ओके, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16, जो कि b इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ सेंटीमीटर लगा देंगे। इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कर्ण दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, जो कि है लंब 5 सेंटीमीटर और आधार नहीं पता है, तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए अगर बेस सिंपली इस तरह करें तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए अगर हाइपोटेनस कितना दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार देखिए यहाँ इसको यहाँ लिख देते हैं, रूट अंडर 144 माइनस 25। ओके, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो ओवरऑल देखिए 144 है माइनस 25, तो यहाँ से अगर एक कैरी ले लेंगे तो 14 में 5 गया तो कितना बचेगा 9, इसके बाद यहाँ 3 में 2 चल गया तो 1, इसके बाद फिर इसी तरह करके इसको यहाँ लिख सकते हैं, तो ये कुछ फ्रैक्शन में आएगा। ओके, तो b इक्वल टू वैल्यू निकल गया।